हम परिवार वाले लोग हैं, तो वो को एक्चुअल में मुद्दे ही नहीं पता। हम साथ खड़े, हमने हर वर्ग के लिए ध्यान रखा है। विधवा को 6,000 रुपए देने की बात है, किसानों की MSP की गारंटी की हम बात कर रहे हैं, 2,00,000 नौकरियों की हम बात कर रहे हैं, आम आदमी के लिए हम लोग 25,00,000 रुपए तक का कैशलेस इलाज की बात कर रहे हैं। कौन सी फसल MSP पे इन्होंने खरीदी, उनके लिए किसान अड़ानी है, हमारी MSP पे भी नहीं बिक। जो सूखा नशा है, नस्ल को और फसल को दोनों को बर्बाद कर, और जनता चुनाव हमारी तरफ से लड़ रही। कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र जारी की है, उसी को लेकर आज गुरुग्राम में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी आए हैं, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। सर, ये जो घोषणा पत्र आया है, इसमें क्या खास है और हरियाणा वाले क्या उम्मीद कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी से? देखिए, कहते ना, देहु शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन्ते कबहू न टरे न डरे, अरिसो जब जाए लड़े निश्चय कर अपनी जीत करें। हमने हर वर्ग के लिए ध्यान रखा है, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, पहलवान हो, बेरोजगार हो, मजदूर हो, सभी के लिए इसमें है। घर की बड़ी महिलाओं को 2,000 रुपए देने की बात है, ज़रूरतमंद विधवा को 6,000 रुपए देने की बात है, ज़रूरतमंद दिव्यांगों को 6,000 रुपए महीना देने की बात है, बुज़ुर्गों को 6,000 रुपए महीने पेंशन देने की बात है, किसानों की MSP की गारंटी की हम बात कर रहे हैं, नौजवानों के लिए 2,00,000 नौकरियों की हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से हम सभी लोगों को इसमें, और इवन प्रेस के लोगों के लिए हम कैशलेस जो है इलाज की बात कर रहे हैं, आम आदमी के लिए हम लोग 25,00,000 रुपए तक का कैशलेस जो है इलाज की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, सभी लोगों के लिए हैं। सर, किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा अक्सर कहती है कि ये बेफिजूल में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाती है, क्योंकि हरियाणा ही ऐसी प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फसलें जो है MSP पे खरीदी जाती है। कौन सी फसल MSP पे इन्होंने खरीदी? अभी जीरी है, आप देख लो जाओ, 1,700 रुपए से ऊपर अगर कोई खरीदी जा रही हो तो। ये लोग मूल रूप से सरमाएदारों की पार्टी है, इनके लिए किसान अडानी है, हमारे लिए किसान किसान है, गांव के 5 एकड़ का किसान है वो किसान है, इन लोगों के लिए किसान अडानी है। उसकी तो क्या नाम MRP पे बिकती है, हमारी MSP पे भी नहीं बिकती। इन लोगों को धरती का पता ही नहीं है, जिसको किले में, बीघे में, एकड़ में और हेक्टेयर में अंतर ना पता हो वो क्या बात करेगा। सर, नशे को लेकर काफ़ी बात किया जाता है हरियाणा के अंदर, हरियाणा में खासकर गुरुग्राम की बात करें तो हर 100 मीटर 200 मीटर पर एक लग्जरी शोरूम देखा जाता है लेकर शॉप का, क्या इसको लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए? देखिए, जब आएंगे, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर कितनी शॉप्स हैं, लेकिन अगर वही कानूनी शॉप्स हैं तो ठीक है, उसमें कहीं वो नहीं, सरकार को वो कहीं ना कहीं वो कर रही है। लेकिन नशा जो है ना, जो चिट्टा है, जो सूखा नशा है, ये एक नस्ल को और फसल को दोनों को बर्बाद कर रहा है, इसके खिलाफ जंग में हम आपका सहयोग चाहते हैं। और सर, कांग्रेस पार्टी क्या इस बार सरकार बना पाएगी? अगर बना पाएगी तो क्या राहुल गांधी जैसा कह रहे हैं क्लीन स्वीप कर पाएगी? प्रचंड आंधी से जनता हमें चुनाव जिता रही है, आप यकीन करिए 55 सीटों से गिनती शुरू करेंगे श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, क्लीन स्वीप हरियाणा देने जा रहा है और जनता चुनाव हमारी तरफ से लड़ रही है। तो आप सुन रहे थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को, जैसा कि उन्होंने बताया कि इस बार प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने वाली है और 55 के आंकड़े से गिनती की शुरुआत ही होगी। बहरहाल, ये 8 अक्टूबर को पता लग जाएगा। फिलहाल इस खबर में आपके लिए इतना ही। कैमरा पर्सन गोल्डी के साथ आदर्श, द क्राउन न्यूज़, गुरुग्राम।